हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। यहाँ पर हम एक नया कोर्स सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है CSS Flexbox, और इस वीडियो में आपको उसकी इंट्रोडक्शन मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में CSS Flexbox है क्या और उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो Flexbox है वो एक CSS 3 का एक नया मॉड्यूल है जिससे आप अलाइनमेंट करने का एक नया तरीका समझ सकते हैं, जिससे आप अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं और उसके अलग अलग ऑर्डर सेट कर सकते हैं। फ्लेक्सबॉक्स जो है ये एक कंटेनर को, मतलब कि जो फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर होता है उसको एक ऐसी एबिलिटी दे देता है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं आप उसको इजिली श्रिंक कर सकते हैं, उसको इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था CSS ग्रिड में। CSS फ्लेक्सबॉक्स एक ऐसा लेआउट तैयार करता है जिससे आपको फ्लोट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती है, आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। फ्लेक्सबॉक्स एक ऐसा नया तरीका है जिससे आप वन डायमेंशनल लेआउट बहुत ईजिली बना सकते हैं। आपने हमारी पिछली वीडियोज में देखा था कि एक नई प्रॉपर्टी आई है CSS ग्रिड, उसमें क्या था, वो टू डायमेंशनल था, मगर ये वन डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल जो रोज और हाइट इकट्ठे हैंडल कर सकता है, मगर फ्लेक्सबॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लेक्सबॉक्स में आप एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हैं, या तो रो हैंडल करेंगे या कॉलम हैंडल करेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक मेन कंटेनर है डिव, और उसके अंदर सब एलिमेंट्स मतलब कि डिव ही आ रहे हैं। अगर हम इसे फ्लेक्सबॉक्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। जो मेन पेरेंट कंटेनर है उस पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उससे वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, बेशक वो डिव है या कोई और एलिमेंट्स है, तो वो बन जाएंगे हमारे फ्लेक्स आइटम्स। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा था ग्रिड आइटम्स बन जाते थे, तो यहाँ पर ये फ्लेक्स आइटम्स बन जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ वन डायमेंशन में काम होता है, या तो रोज में होगा या कॉलम्स में। अगर हम बात कर रहे हैं रोज की, हॉरिजॉन्टल की, तो उसके लिए जो हमारा ये एक्सिस होता है उसको हम कहते हैं मेन एक्सिस, इसको हम रोज भी कह सकते हैं। और अगर हम वर्टिकली की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्रॉस एक्सिस। ये फ्लेक्सबॉक्स की टर्मिनोलॉजी है कि यहाँ पर इसे क्रॉस एक्सिस बोला जाता है, या हम इसे बोल सकते हैं कॉलम। आइए देखते हैं छोटा सा प्रैक्टिकल कि इसको फ्लेक्सबॉक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक डिव है जिसका नाम हमने क्लास कंटेनर लगाई है इस पे क्लास, और इसके अंदर हमारे पास चार अलग डिव्स आ रहे हैं जिन पे अलग अलग चार क्लासेस लगी हुई हैं, आइटम 1, 2, 3, 4, और एक कॉमन क्लास भी है आइटम्स नाम से। और इसके यहाँ पर हमने अलग अलग कलर्स भी सेट कर दिए हैं। तो ऊपर देखिए, जो कंटेनर है उसकी हमने विड्थ दी हुई है 600, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट से ऑटो कर रखा है, पैडिंग दे रखी है, और इस पे बॉर्डर लगा रखा है। अब देखिए, अगर मैं इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। मैंने सेव की फाइल, ये देखिए ऑटोमेटिकली सेव करते ही वो एक रो में हो गए। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि कैसे फ्लेक्स को यूज करते ही यहाँ पर जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, बेशक वो डिव हों या कोई और एलिमेंट्स हों, वो ऑटोमेटिकली रो में हो जाएंगे। इससे अगली वीडियोज में हम कुछ नई प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, आइए पहले उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। यहाँ देखिए, हमारे पास फ्लेक्सबॉक्स के साथ कुछ नई प्रॉपर्टीज आई हैं जिसको आप इजीली हैंडल करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ये कुल यहाँ पर हमारे पास 12 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन, रैप, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिक्स, फ्लेक्स, और इसकी अलाइनमेंट करने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखी थी CSS ग्रिड में। तो इन प्रॉपर्टीज को सिखाने के लिए हमने आगे अपनी 11-12 वीडियोज बनाई हैं, जिसको आप देखते रहिए बारी बारी, स्टेप बाई स्टेप, अगर आपको CSS फ्लेक्सबॉक्स सीखना है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।